अच्छा ये भी नहीं ठोक दी भाई गाड़ी, ठोक दी भाई साहब, कर दी ठोक। हाँ लिकट बार लिकट गाड़ी ठोक दी तो हमने फैशन मत कर। जाते टाइम फिर एक बार हनुमान चट्टी के दर्शन करके और फिर जाएंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज मंगलवार है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये आपका अपना चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई अब माना गांव से चलते हैं तुंगनाथ की तरफ। तुंगनाथ है यहाँ से 141 किलोमीटर और बीच में जाते टाइम फिर देखते हैं क्या व्यू मिलेगा, क्योंकि कल करते हैं फिर तुंगनाथ बाबा के दर्शन। फिलहाल है भाई हनुमान चट्टी के पास हम, और एक ये झरना मिला है और ये पुल है जो कि हिल रहा है। अब महसूस करते हो थोड़ा सा, आप कूदोगे तो हिल जाएगा, लेकिन अगर कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है तो आप खुद महसूस कर लोगे कि हाँ हिल रहा है। देखो मतलब महसूस हो जाता है। जाते टाइम फिर एक बार हनुमान चट्टी के दर्शन करके और फिर जाएंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज मंगलवार हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं हमको। तो भाई आप जाते टाइम या आते टाइम हनुमान चट्टी के दर्शन जरूर करें। बद्रीनाथ हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें मंगलवार को हनुमान बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। ये वही जगह है जहाँ हनुमान ने भीम जी का घमंड तोड़ा था। जब वो सन्यास की तरफ जा रहे थे तो हनुमान भगवान की पूंछ बीच में थी, तो भीम ने बोला कि आप इस पूंछ को हटा लीजिए। हनुमान बाबा ने कहा था कि खुद ही हटा लो, तो वो पूंछ को हिला नहीं पाए थे तो उनका घमंड चकनाचूर हो गया था। तो हमारे हनुमान बाबा तो हैं ऐसे। जय श्री श्याम, जय श्री राम और जय हनुमान बाबा। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. अच्छा ये भी नहीं ठोक दी भाई गाड़ी, ठोक दी भाई साहब, कर दी ठोक। हां लिकट बार लिकट मारता पे लिकट साले को। अगली लाइन खत्म होंदी अपनी काटूंगा साइड में। मैडम जी भी लकड़ की बार रोला सुन जान मैं बखड़े रहूंगे रोला हो रहा अगला कदे फोटो तैयार के ले आ रहे कोई ना भाई रे मीडिया वाले आड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी ठोक रही है इन्हें फैशन करने का फुर्सत नहीं मिल रही। गाड़ी ठोक दी तो हमने फैशन मत कर। आवाज सुनियो क्या किया है पाड़ा मत क्या बोलता हूँ पक्षी बोलता हो जानवर घना कड़ा रोड है भाई वाक्य में शूटिंग वाला रोड है। शूटिंग कर ले आंदी का टीम सोता What you like, what you don't, you should never. यो वो सीन है। इंसा? ओ। तेरे दादा पर। बिंदी बैठी थी। जोशी मठाड़ा झरना। जोगी फाल। जोगी फाल। आजा मोसा आजा लड़ा मत ना। लेकर आप तेरी जगह से। अरे दस बज गए आजा तोड़ा। इंसान है पहाड़ का रास्ता, रात होने वाली है शाम भी असी। शाम भी हसी है रात भी हसी है। मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लेकर ले। अरे दो घंटे हो लिए लाइन में खड़े हैं नुका नु जाम आप हाल देखो ना। दो घंटे तो जाम लाग रहा भाई। अरे देख लो गाड़ी तक नहीं हिल रही। सोचा तो ये था कि जितना जल्दी पहुंचेगा उतना आराम करके सुबह चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा कहीं जाने का।
क्योंकि गाड़ी 1% भी नहीं ली भाई कोई सी भी, और बहुत लंबा जाम दिखा रहे हैं। चलन दो भाई चलन दो, जितनी जाए जा, ठोक पीट ना कर दियो गाड़ियां की, जान दो भैया भैया जाम खुलिया फिर लग गया जाम, जान दो। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, उठिए भाई गाड़ी आ गई। भाई टाइम हो रहा है 11 बजे का और हम हैं चोपटा से 2 किलोमीटर पहले और यहाँ ढाबे पे रुके हैं। और भाई वहाँ से टर्न होता है जहाँ से गोपेश्वर से लेके यहाँ तक बिल्कुल भी रेंज नहीं है, मतलब 1% भी रेंज नहीं, किसी का गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए कहीं भी कुछ परेशानी हो जाए तो भाई एक कॉल तक नहीं लगा सकते। तो भाई अब यहाँ पे खाना खा के और फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि बोल रहे कैंपिंग करेंगे, टेंट और वो स्लीपिंग बैग हमारे पास है, टेंट लगा रहे हैं भाई, अपना ट्रैकिंग यहीं करेंगे। दो टेंट तैयार हो चुके हैं और तीसरा टेंट लगाने की तैयारी में हम। ये टेंट है भाई और ये स्लीपिंग बैग ठंड के बचाव के लिए, इसे बोलते हैं असली ट्रैकिंग, पानी ना पड़ा तो बात तो सही है। भाई ट्रैकिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम और टेंट लग चुके हैं, टेंट के अंदर का भी दृश्य देखा होगा आपने और बारिश आ गई है तो रात हो चुकी है भाई, 1 बजिया है। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय शंकर भगवान, जय भद्री विशाल भगवान, और कल करते हैं तुंगनाथ की चढ़ाई।